What's up guys, welcome back to Nitesh Video. आज हम ट्वीब्रो की वीडियो देखने वाले हैं। हाँ भाई पोर क्यों कर लिया एशिया कप होस्ट, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन एशिया कप 2023 रोस्ट। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, करते हैं साथ में एंजॉय फ्रॉम द चैनल ट्वीब्रो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूले, अगर कोई पुरानी वीडियो शेयर करना बताना चाहते हो इस पर रिएक्ट करना जरूर बताना। 1 2 3 गो। न्यूट्रल वेन्यू नामंजूर, एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया। नजर लग गई। अमित शाह, जय शाह नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? भाई लोग, इन दिनों इंडिया पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, तो वो है एशिया कप। एक तरफ पाकिस्तान जो एशिया कप पाकिस्तान में होस्ट करने की इंडिया से भीख मांग रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जिसका पोर्कियों से कहना है क्या रे भीख मंगिया हलवाई क्या। भाई लोग, जैसे जैसे एशिया कप करीब आ रहा है, हर पोर्की की जुबान पर बस यही है एशिया कप कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट करने के लिए पिछवाड़े का पूरा जोर लगा लिया, इंडिया जाकर वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी तक दे डाली, लेकिन फिर भी बीसीसीआई का रिप्लाई क्या मिला? हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। गजब बेइज्जती है। और जब भारत ने पाकिस्तान जाकर एशिया कप खेलने से मना कर दिया, तो पोर्की पता नहीं कहां से निकाल कर लाए हाइब्रिड मॉडल। अब ये मत पूछने लग जाना, हाइब्रिड मॉडल जो है ये है क्या यार? उल्लू आदमी है भाई, कुछ मालूम है नहीं इसको यार। वल्लू बता, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अरे वो नहीं, हाइब्रिड मॉडल बता। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। और जब इंडिया ने इस हाइब्रिड मॉडल के तहत भी खेलने से मना कर दिया, तो बंदे निकाल कर लाए दूसरा हाइब्रिड मॉडल, जिसके तहत टोटल 13 मैचेस होने, 9 मैचेस जो है वो पाकिस्तान से बाहर होंगे और 4 मैचेस पाकिस्तान में। मतलब बंदे पूरा एशिया कप पाकिस्तान में कराने से लेकर केवल 4 मैच पाकिस्तान में कराने पर आ गए, यहाँ तक कि पोर्की खुद बोलते फिर रहे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मेजबान पाकिस्तान को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी पोर्कियों के हिसाब से जीत किसकी हुई? एशिया कप पर पाकिस्तान की मौकिफ की जीत होने लगी। बांग्लादेश और श्रीलंका ने नए हाइब्रिड मॉडल पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। और जो इधर तुम्हारा बाप इंडिया पूरा सिग्नल का खंबा बनकर खड़ा है, उसके सिग्नल का क्या? बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है। अब बोल और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। मतलब बंदे एक तरफ एशिया कप की मेजबानी हाथों से जाने का मातम मना रहे हैं। क्रिकेट एशिया कप के मामले पर भारत की मैं ना मानू की रट बरकरार है, पीसीबी के हाथ से हाइब्रिड मेजबानी भी जाने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ बंदों का एटीट्यूड, पीसीबी सरबराह नजम सेठी ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए शर्त रख दी। और पोर्कियों की वो शर्त क्या थी? पीसीबी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान भी भारत खेलने नहीं। और उधर पोर्कियों की ये धमकी सुनने के बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही पोर्कियों को लगा कि अब वर्ल्ड कप में खेलने की धमकी से भी काम नहीं चल रहा, तो बंदे एक झटके में ढीले पड़ गए। पहले इंडिया को अलग अलग तरह की धमकी देते फिर रहे थे, और जब इंडिया ने इनको मुंह नहीं लगाया तब नजम सेठी ने वाज़ह किया है कि वो भारत को धमका नहीं रहे, बल्कि मुस्बत रहकर पाक भारत क्रिकेट के मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हवा निकल गई। पोर्कियों ने वर्ल्ड कप में न आने का तो ऐसा हल्ला मचाया हुआ है जैसे यही वर्ल्ड कप इवेंट का सारा खर्चा उठाते हो। जो ये नहीं आएंगे तो वर्ल्ड कप होगा ही नहीं। अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारूं, तुम जैसे आतंकियों को बुलाना भी कौन चाहता है? कहीं रिजवान जिहाद के नाम पर स्टेडियम में ही फट पड़ा तो उल्टा इंडिया पर ही ब्लेम डालोगे कि इंडिया में सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। और भाई इन पोर्कियों की बकचोदी, साले खुद एशिया कप को लेकर दिन रात परेशान है। भारत ना अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहता है और ना ही इसे ये मंजूर है कि इवेंट दो ममालिक में हो, लेकिन उल्टा बंदों के हिसाब से परेशान कौन है? पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले जाएगा या नहीं, आईसीसी और भारतीय बोर्ड परेशान। अरे क्या करूं? लेकिन पोर्कियों की यह परेशानी यही खत्म नहीं होती। एशिया कप को लेकर पोर्की इस कदर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि इंडिया के बिना किसी फैसले के ही फैसला सुनाते फिर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेलने पर रजामंद हो गया है। और इधर बीसीसीआई नाक में दम कर रखा तू, लेकिन एशिया कप से रिलेटेड इतना फर्जीवाड़ा फैलाने के बावजूद भी पोर्कियों के हिसाब से फर्जी खबरें फैला कौन रहा है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया के जरिए एशिया कप के बारे में बेबुनियाद खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं। कॉमेडी चल रहा है। जब से इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने से मना किया है, पोर्की इस कदर बावले हो गए हैं कि बंदे एशिया कप से रिलेटेड रोज एक नई खबर मार्केट में डाल देते हैं। कभी इनका भारत के लिए कहना होता है? भारतीय हठधर्मी ने एशिया कप का इनेकाद खतरे में डाल दिया है। भारत ने एशिया कप की विंडो
शहरों में 5 मुल्की टूर्नामेंट कराने का मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। तो कभी पाकिस्तान के लिए अगर एशिया कप इस साल न हो सका तो पीसीबी ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया है। अच्छा, किसी टीम के साथ वनडे सीरीज या फिर 3 मुल्की टूर्नामेंट भी मुमकिन हो सकता है। और वो मुल्क कौन से होंगे जो एशिया कप की विंडो में पाकिस्तान आकर खेलेंगे? और साउथ अफ्रीका उस वक्त एक ऐसी विंडो है, वो आ सकती है। जिम्बाब्वे हो गई अब है ना लाइन पे। जिम्बाब्वे ही तो पोर्टो का इकलौता सहारा है। जब जब पाकिस्तान में क्रिकेट की बदहाली होती है, बंदे जिम्बाब्वे को पाकिस्तान बुलाकर आगे कर देते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान ऐसे ही नहीं आ जाता, उसे भी पोर्की कैसे बुलाते हैं? हमने लाइक स्टार्ट तो ऐसे किया था कि जिम्बाब्वे की टीम को भी पैसे दे के बुलाते थे। ये तो पोर्टो की हालत है। उसके बाद ये लोग उम्मीद करते हैं कि इंडिया जैसी टीम आतंकिस्तान आकर खेले। मेरे को ये ना समझाएगी, अबे पोर्कियो, हर टीम को पैसे ही नहीं प्यारे होते, कुछ टीमों को सिक्योरिटी भी प्यारी होती है। तो अब ये एशिया कप पर चिल्लाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी बकचोदी कोई नहीं सुनने वाला। अब एशिया कप होस्ट करने के तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, पूरा का पूरा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओ भाई साहब, गजबी रोड था। और मतलब कि कुछ वैसा नहीं था कि उठपटांग शब्द, बात जो थी बिल्कुल पते की थी। सबसे मेन इशू है, एक तो हमारे जो रिलेशन है आज के टाइम पे पाकिस्तान के साथ, और दूसरा जो सबसे मेन मैं ये कहूँगा सिक्योरिटी, एक और कि सिक्योरिटी वहाँ पर कुछ नहीं है। स्टेडियम में से लाइट चोरी जाती है, स्टेडियम के बाहर बम फट जाते हैं। भैया ऐसे हालत में कौन जाना चाहेगा वहाँ पर, ये बता दो। और एंड ऑफ द डे भैया पैसा मैटर नहीं करता जब आपकी जान की बात आ जाती है तो, और जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और यहाँ पर तो वो हमारे नेशनल हीरोज हैं, हम खुद भी कैसे, कोई भी इंडिया से भी कोई खुद ही, इंडिया से आपने एक भी बंदा सुना जो कह रहा होगा नहीं भारत को जाना चाहिए? किसी ने, एक बंदे ने नहीं बोला। एक बंदे ने, अगर किसी ने बोला है तो भैया फिर वो इंडियन क्रिकेट टीम का फैन ही नहीं है पहली बात तो। वो फिर वो जान वैल्यू है ना यार, वो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा हर एक चीज। और ऊपर से रिलेशंस हमारे नहीं है, पॉलिटिकल रिलेशन भी उनके साथ अच्छे नहीं है, कैसे भी नहीं है, कैसे हाँ, भी नहीं हाँ। एक तो वो ट्रेड, वो तो ट्रेड बंद करते हैं, और यहाँ क्रिकेट भी चाहिए। क्रिकेट भाई साहब, ये नहीं पता था मेरे को जिम्बाब्वे की टीम को पैसे देके बुलाते हैं। इनकी हालत ऐसी है नहीं, वो क्या कि कोई टीम खेलने नहीं आती हाँ, तो सोचा कि भैया आ जाओ। लेकिन दिक्कत ये ना, ये वो इंडियन टीम को तो ऐसे ऑफर कर नहीं सकते, समझ रहे हैं। बाकी वीडियो मजेदार बनाई थी, टाइम से आप लोगों ने भी एंजॉय करी हो, क्या करी हुई एंजॉय। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब टू वी ब्रो की, अगर कोई पुरानी वीडियो आपके पास सजेशन के लिए हो तो जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।